इस महान कार्यक्रम आयोजन करन दा नामधारी समाज के वलों महान उपराला होया। उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच ये प्रार्थना, उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच ये हाथ जोड़ के बेनती है संपूर्ण मानवता के वलों जिहड़े इत्थे मौजूद ने, केवल उन्हां वलों ही नहीं विश्व के कोने कोने के अंदर जो भी मनुख है, विश्व के कोने के अंदर जो भी पशु पंछी प्राणी जीव है, सब दे वास्ते उस परम पिता परमात्मा के चरणों च प्रार्थना है। परमात्मा असी इस सम्मेलन के रूप च जो एक छोटा जिहा उपराला ते प्रयास करते हैं पे, वो साडा सफल होवे। आप जी अगे बेनती है, हुणे हाजी साहब ने शेख फरीद की चर्चा की सी, ता शेख साहब ने एक साढ़े सारयां दे अगे सवाल रखिया सी जिस दे उत्ते आपां नूं रोज़ विचार करना चाहिदा है। आपने फरमाया सी, चार गवाया हंढ के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो केड़े कारज नहीं पूरा करांगे। इत्थे जिन्नी मर्जी शोहरत हासिल कर लईए, जिन्नी मर्जी धन दौलत इकट्ठी कर लईए, मगर जिन्ना चिर सानू उस सच दा अपने अंदरों एहसास नहीं ना होगा। इस करके गुरु घर ने कहा सी, सब किछ घर में बाहर नाहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। मालिक ने जदों इंसान दा जामा बख्शिया सी, जो इन्हें देना देता, मंगण दी लोड़ नहीं है, पहचानण दी लोड़ है। परमार्थ एक पहचान है। असी सोचते हाँ कि पता नहीं कित्थे पहुँचना है, कित्थे जाना है, कित्थे नहीं जाना। सिर्फ ध्यान नूं अंतरमुख करके जो उसने दात बख्शी है उहदी आपां कदर करनी है। इस करके आप फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। वो धुन, वो नाम, वो शब्द, ये ठीक है कि जिवें आपां मालिक नूं याद करदे करदे आपां उहदे अलग अलग लफ्ज़ां दे जरिए उहनूं याद कीता है, उस तरह इस ताकत नूं भी। मन दे सारे मज़हब हन मगर बयान अलग अलग लफ्ज़ां दे नाल कीता है। शब्द नूं वेदां शास्त्रां ने नाद कह के बयान कर दिता। मुसलमान भाई साहिबान उन्हूं कलमा कह दिंदे हन, ईसाई धर्म विच उन्हूं वर्ड लोगोस कह दिता, और चाइनीज़ उन्हूं टाओ कह दिंदे हन। ताकत इक्को ही है, और जिन्ना चिर आपां उस क्रिएटिव पावर, उस ताकत दे नाल आपां अपने आप नूं नहीं जोड़ांगे, होर कोई युक्ति नहीं है जिहदे नाल सानूं मुक्ति मिल सके। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। वो ताकत सिर्फ उस शब्द विच है, होर किसे चीज़ विच नहीं है। आपां पढ़दे हाँ मूत पलीती कपड़ होवे, कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, आपां पानी और साबण दे नाल उहनूं धो सकते हाँ, मगर जिहड़ी साडी अंदरली मैल है वो सिर्फ पानी और साबण दे नाल नहीं साफ होण लगी। इस करके आपने समझाया सी, ओ धोपे नामे के रंग। जिन्ना चिर असी अपने आप नूं उस नाम उस शब्द दे रंग विच नहीं रंगांगे, इंसान कमज़ोर है, ये नहीं निभा सकता। शरीर विच ये ताकत नहीं है कि ये सारा कुछ निभा सके। ये तो जिन्ना चिर उहदी उस अकाल पुरख दी, उस खुदा दी, उस मालिक दी बख्शिश ना होवे, इंसान इस लायक नहीं है। असी तां अपनी छोटी जी भगती दे जरिए सिर्फ अपने आप नूं तैयारी विच लगा सकते हाँ, मिलूगा उहदी बख्शिश दे नाल, मिलूगा उहदी कृपा दे नाल मिलूगा। इस करके आपां तां उहदे भाणे विच रहना है, उहदे हुक्म विच रहना है, उहदी रज़ा विच रहना है। हुक्म मनिए पाइए।
ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।